नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बात भी कौन सी करेंगे, कतर कंट्री से रिलेटेड। और भाई इतनी बड़ी खुशखबरी मैं बता दूँ, और खुशखबरी तो क्या, आगे आगे आपको एक धक्का सा लगेगा, धक्का यानी धोखा भी आप बोल सकते हैं कि यार मैं भी खुश हो गया था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कतर को सरकार ने इतनी फ्लाइटें कैसे दे दी, मुझे समझ भी नहीं आया। लेकिन बाद में मुझे हकीकत का पता लगा तो भाई दिमाग मेरा भी थोड़ा थोड़ा क्या पूरा का पूरा हिल गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ होने वाला है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो पूरा देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं कि आज ये ऐड हुई हैं फ्लाइटें, कतर की फ्लाइटें। बहुत एक बंदे का फ़ोन आया था, बोला सर कतर का भी कुछ बता दो, चाहे झूठ ही बता दो ताकि हमें शांति मिल जाए। मैंने उनको बोला भाई झूठ कैसे बताते हैं, जो होगी वही बताऊंगा, फ्लाइट से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी नहीं, क्योंकि आपको पता है वंदे भारत जो 4 था उसमें कतर को ऐड नहीं किया गया। लेकिन आज, जी हाँ, आज कतर को ऐड कर दिया गया, ये मान लीजिए 1 जुलाई से ऐड कर दिया गया। तो मैं बता दूं कि मैं फ्लाइटें देख के हैरान हो गया। लगभग पहले 365 के करीब फ्लाइटें थी, इसको बढ़ा के 560-55 के करीब कर दिया गया है। उसमें मैं बताऊं कतर के लिए, इंडिया के लिए, कतर से इंडिया आने वाले फ्लाइटों का शेड्यूल 192 फ्लाइट्स हैं। जी हाँ साथियों, कतर से इंडिया आने वाली फ्लाइटों की संख्या है 192। अब आप खुश हो जाओ कि 192 फ्लाइट तो दुबई को नहीं है भाई, इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग दुबई में रहते हैं, उसको भी इतनी फ्लाइटें नहीं दी, लगभग 50-60 फ्लाइटें दी थी इस वंदे भारत 4 में। लेकिन कतर को इतनी ज़्यादा फ्लाइटें कैसे दे दी, मुझे समझ में नहीं आया। अब आप सुन लीजिए भाई, आपका क्या होने वाला है। 192 में से बता दूं 180 फ्लाइटें ओनली केरला के लिए हैं। जी हाँ, 192 में से 180 फ्लाइटें केरला के लिए, मात्र यूपी के लिए 4 या 5 फ्लाइट हैं, बॉम्बे के लिए 4 फ्लाइटें हैं, तमिलनाडु के लिए 3 से 4 फ्लाइटें हैं, हैदराबाद के लिए 1 से 2 फ्लाइटें हैं, बाकी स्टेट 0। यूपी की फ्लाइट कैसे देती मुझे समझ में नहीं आया, 4 से 5 फ्लाइट यूपी की हैं, बाकी टोटल की टोटल केरला फ्लाइटें जा रही हैं। जी हाँ साथियों, तो भाई अब आपको धक्का लग गया ना, आपको सच्चाई सुन ली ना, और इसकी सच्चाई और आप जान लीजिए। मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप जैसे उसको क्लिक करोगे ना तो वो आपको डीजीसीए की साइट पे लेके जाएगा। उसमें वंदे भारत 4 में जितनी भी फ्लाइटें हैं 555 के करीब, सब कंट्रियों की फ्लाइटें शो करेगा, उसमें आप कतर की फ्लाइटें देख लेना भाई। यानी अफसोस होता है यार, 192 यानी करीब 200 फ्लाइटों में से टोटल की टोटल फ्लाइटें केरला जा रही हैं, 8-10 फ्लाइटों को छोड़ के। ऐसा कैसे हो सकता है, केरला सरकार ने ऐसा इतना क्या भर दिया भाई कि डीजीसीए को टोटल फ्लाइटें उधर दे रही हैं। आपकी सरकारों की गलती है, हर वीडियो में बोलता हूं, आपकी सरकारें नहीं चाहती कि आप इंडिया पहुंचो, सीधी बता देता हूं। अब आप मोदी को दोष दोगे, हर वीडियो में बोल देता हूं, फिर बता देता हूं, मोदी केंद्र सरकार में कौन है, बीजेपी, केरला में कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी, आपको सबको पता है। दोनों की यूं रहती है, दोनों की नहीं बनती ना, दोनों विपक्ष की हैं। तो भाई उनको शौक आ रहा है कि वो उनको फ्लाइटें ज़्यादा देंगे, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, रोल आपके राज्यों का रहेगा। दूसरी बात, चलो ये मान ले कि मोदी देता है, तो भाई मोदी तो फिर अपने स्टेट है, बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ पर भी देना चाहिए मोदी को तो फिर, कि भाई नहीं नहीं अपने सरकारों के राज्य लोगों को हम बुलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी राज्य सरकार नहीं चाहती, हमारे राजस्थान में गहलोत साहब नहीं चाहते, इंडिया की राजस्थान की बात कर लें, पिछले 3 महीने में राजस्थान में अब तक 9,500 विदेशी पहुंचे हैं, 3 महीने में 9,500 विदेशी, जबकि आने वालों की संख्या कितनी आप लोगों को सबको पता है। रोज़ मुझे वीडियो डालना पड़ता है, लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी राज्य सरकारें नहीं चाहती, ये स्थिति है भाई। आप देख लीजिए, 192 में से आप 0/0 हो, 192 में से 182 फ्लाइटें ओनली केरला की हैं। तो भाई बस यही न्यूज़ थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, सच्चाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा नहीं लगे फिर भी भाई लाइक करना है, क्योंकि मैंने आपको सच्चाई बता दी है, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।